गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो द प्रैक्टिस ऑफ दीज एजर्शन रीजन क्वेश्चन इज गोइंग ऑन एंड वी आर ऑन द प्रैक्टिस सेट ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन. ओके, तो ये हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन का रिविज़न चल रहा है और इस प्रैक्टिस सेट में जो हमारे पास क्वेश्चन हैं जो आपने रिवाइज कर रखे हैं जहाँ तक, दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका रिवाइज हो चुका है. एन एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस इन अ स्पेस सैटेलाइट, और रीज़न था उसका वैन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली इट डज नॉट एक्सपीरियंस ग्रेविटी. तो मैंने बताया था इसको, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है क्योंकि दोनों सही हैं बट दोनों रिलेटेड नहीं है. ओके, फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन से आज रिविज़न स्टार्ट होना है एंड अगेन आई एम टेलिंग दैट नोट डाउन दीज ऑल द प्रैक्टिस क्वेश्चन. इस जितने भी सेट में आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको कहीं किसी भी जगह पर उस सेम नोटबुक में या जो भी आपकी प्रैक्टिस नोटबुक है उसमें नोट करते जाएंगे तो देन इट विल बी गुड फॉर यू ऑल्सो, आपके लिए भी अच्छा है. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, हियर फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. तो फोर्थ क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एजर्शन लिखा है, इफ़ अ पेंडुलम फॉल्स फ्रीली देन इट्स टाइम पीरियड इज़ इन्फिनिट. तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर कि आपको टाइम पीरियड का रिलेशन पता होना चाहिए क्योंकि इन्फिनिट होगा और टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड करता है. तो आई डोंट नो कि ये रिलेशन आपने पढ़ा है या नहीं. वैसे जहाँ तक है थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन 9th में भी आ जाता है. टी इज़ इक्वल टू 2π अंडर रूट एल ओवर जी. टाइम पीरियड जो है वो दो बातों पर डिपेंड करता है. टाइम पीरियड इन द सेंस जो भी चीज़ सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, तो एक रेवोल्यूशन एक सर्कल कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होता है. और एल जो है यहाँ पर वो होती है लेंथ, और लेंथ उस स्ट्रिंग की लेंथ जिसके थ्रू रेवोल्यूशन हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं एल रेडियस. जैसे अर्थ का रेवोल्यूशन सन के अराउंड हो रहा है तो जो रेडियस है दैट इज़ एल, और जी है ग्रेविटी. तो आपको पता है एल जो है यहाँ पर वो तो जितनी भी है लेंथ रेडियस फिक्स्ड होगी, और ग्रेविटी जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट है. तो क्वेश्चन में दे रखा है अगर पेंडुलम फ्री फॉल करता है तो टाइम पीरियड इज इन्फिनिट. तो क्या टाइम पीरियड इन्फिनिट होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रू, इट्स टाइम पीरियड इज़ इन्फिनिट. टाइम पीरियड इन्फिनिट हो जाता है इसमें जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है. तो दिस इज़ द ट्रू केस, क्योंकि इस केस में जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर. और अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट भी दे रखा है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज़ एक्सेलरेशन इक्वल टू जी. तो देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर. फ्री फॉल जो भी बॉडी करती है उसके लिए माना जाता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो फ्री फॉल कर रही है तो अंडर द एक्शन ऑफ अर्थ, अंडर द फोर्स ऑफ अर्थ इट इज़ फॉलिंग. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर स्मॉल जी एक्ट करता है, ये सही है. और उसका जो एपरेंट वेट होता है, कहते हैं फ्री फॉल में एपरेंट वेट ज़ीरो हो जाता है, तो यहाँ पर जी लिखा है. लेकिन अगर यहाँ एपरेंट वेट की सिचुएशन लेकर चलें तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ज़ीरो हो जाता है. तो अगर यहाँ ज़ीरो हो जाएगा तो टाइम पीरियड जो है वो कितना हो जाएगा? इन्फिनिट. तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं यहाँ पर और एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं. पेंडुलम फॉल्स फ्रीली देन इट्स टाइम पीरियड इज़ इन्फिनिट, और फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज़ एक्सेलरेशन इक्वल टू जी. ओके, तो ये ठीक है आपका. यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका जो है दैट इज़ करेक्ट. फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, और वो भी इसी टाइप का है. द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑन अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज़ इन्फिनिटी. तो अर्थ की जो ऑर्बिटिंग कर रहा है उसका टाइम पीरियड इन्फिनिटी होगा. रीज़न में लिखा है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी. तो ये यहाँ भी दोनों ही स्टेटमेंट और रीज़न दोनों सही हैं. तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ करेक्ट. वन सेकेंड, ये आपका ठीक है रीज़न, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम जो ऑर्बिटिंग कर रहा है उसके लिए इन्फिनिटी नहीं होगा, बल्कि जो फ्री फॉल कर रहा है उसके लिए इन्फिनिटी होगा. ओके, क्योंकि जो ऑर्बिटिंग कर रहा है वो अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन कर रहा है तो वो फ्री फॉल की सिचुएशन नहीं आएगी. तो यहाँ पर ए जो है आपका रॉन्ग है और जो रीज़न है आपका वो करेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है,
कि अगर आपका एजर्शन रॉन्ग है और रीज़न सही है तो यू कैन चेक यर, आई थिंक ऑप्शन डी है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, द अर्थ विदाउट इट्स एटमॉस्फियर वुड बी कोल्ड। अगर अर्थ से एटमॉस्फियर हट जाता है, गैसेस नहीं होती हैं, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगी। रीज़न है ऑल हीट वुड एस्केप इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फियर। तो यहाँ भी आपके दोनों एजर्शन और रीज़न सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ करेक्ट। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मूले अगर आपको पता है, रिवाइज कर रखे हैं, देन इट इज़ गुड। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर, हाँ आपका जो चैप्टर ग्रेविटेशन है उसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स स्टार्ट होगा। सो इन दिस चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, इसमें आपके क्वेश्चंस हैं ओनली 2, क्योंकि चैप्टर भी शॉर्ट है। तो उसमें देखते हैं, एजर्शन दे रखा है फर्स्ट वाले केस में, लेड इज़ मोर इलास्टिक देन रबर। ओके, तो लेड, लेड के बारे में इतना पता होना चाहिए आपको कि लेड एक मटेरियल है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई डेंसिटी होती है, उसकी डेंसिटी आयरन से भी हाई होती है, ठीक है। तो लेड के बारे में लिखा है इट इज़ मोर इलास्टिक देन रबर, और रीज़न लिखा है सम लोड इज़ लोडेड ऑन द लेड एंड रबर वायर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, द स्ट्रेन ऑफ लेड इज़ वेरी मच लेस देन दैट ऑफ रबर। तो जो स्ट्रेन है लेड की वो बहुत कम होगी रबर से, तो यस बोथ आर करेक्ट। क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स में हम इलास्टिसिटी को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, इलास्टिसिटी को जज कैसे करते हैं, तो इलास्टिसिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंटरटॉमिक फोर्सेस हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, वो इतने स्ट्रांग होना चाहिए कि उनमें जो चेंज हो रहा है, उनकी डिस्टेंस जो इंक्रीज़ हो रही है, दैट शुड बी मच स्मॉलर। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर भी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब कि उनका जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो इलास्टिसिटी डिपेंड करती है रीस्टोरिंग फोर्स पे, तो इनका रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा है इसीलिए ये स्ट्रेच नहीं हो पा रहे हैं। तो दिस इज़ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स, फिज़िक्स के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है लेड इज़ मोर इलास्टिक देन रबर, तो इट इज़ करेक्ट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लेड जो है वो इलास्टिक से लेड जो है वो रबर से ज़्यादा इलास्टिक है। और रीज़न भी सही है उसका, क्योंकि लेड के ऊपर अगर कोई वेट लगाया जाएगा, लोडिंग की जाएगी उसकी, तो उसमें जो स्ट्रेन है वो रबर के कंपैरिजन में बहुत ही कम आएगा, नेग्लिजिबल आएगा। ओके, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए फिर से करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है आपका एजर्शन, स्ट्रेस इज़ द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। रबर इज़ मोर इलास्टिक देन, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, रबर इज़ मोर इलास्टिक देन, यहाँ पर है लेड, रबर इज़ मोर इलास्टिक देन लेड। तो स्ट्रेस इज़ द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी, तो ये ठीक है, लेकिन रबर इज़ मोर इलास्टिक देन लेड ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो एजर्शन आपका सही है लेकिन रीज़न रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट यार। फिर देखिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूड्स में क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूड्स बड़ा चैप्टर है, उसमें कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारे हैं, उसके क्वेश्चन यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो एजर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग एट हाई स्पीड फ्रॉम अ गार्डन हॉज पाइप टेंड्स टू स्प्रेड लाइक अ फाउंटेन व्हेन हेल्ड वर्टिकली अप। तो देखा होगा आपने, खुद एक्सपेरिमेंट करके आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी पाइप को अगर वर्टिकली अप हेल्ड करेंगे तो उसमें से जो पानी बाहर निकलता है वो फाउंटेन की तरह बाहर निकलता है, बट टेंड्स टू नैरो डाउन व्हेन हेल्ड वर्टिकली डाउन, और जब उसको नीचे कर देते हैं तो पानी जो है वो स्ट्रीम लाइन की तरह निकलता है, एक फ्लो की तरह निकलता है पानी। रीज़न में लिखा है इन एनी स्टडी फ्लो, इट इज़ स्टडी, STEADY, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्टडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूड द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द फ्लूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये ठीक है, ये आपने स्टेटमेंट पढ़ा है कि स्टडी फ्लो जो होता है, स्टडी फ्लो के बारे में आपने पढ़ा है कि ऐसा फ्लो जिसमें एडीज ना बन रही हों, जो एकदम बिल्कुल कॉन्स्टेंट रेट से मूव करता है, और वो कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल भी होता है, नॉन विस्कस भी होता है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द फ्लूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट।
तो दोनों एजर्शन और रीजन सही हैं, हियर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके फिर देखिए सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका एजर्शन, द साइज ऑफ हाइड्रोजन बलून इंक्रीजेज एज इट राइजेज इन एयर, और रीजन लिखा है द मटेरियल ऑफ द बलून कैन बी ईजिली स्ट्रेच्ड। तो साइज ऑफ हाइड्रोजन बलून इंक्रीजेज एज इट राइजेज इन एयर, तो ये जो आपका एजर्शन है ये ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बलून राइज ही क्यों करता है, तो उसका रीज़न कि हाइड्रोजन फिल्ड बलून जो होता है एटमॉस्फेयर में जब तक रहता है तब तक वो राइज करता जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं उनके कंपैरिजन में हाइड्रोजन की डेंसिटी कम होती है, तो उस पर आप थ्रस्ट ज़्यादा लगता है। और ये जो स्टेटमेंट लिखा है दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट कि हाइड्रोजन फिल्ड बलून जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है जब वो एयर में राइज करता है। अब मटेरियल ऑफ़ द बलून कैन बी ईजली स्ट्रेच, दिस इज़ रॉन्ग, इसका रीज़न जो है वो रॉन्ग है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि यहाँ अब थ्रस्ट का ही रोल है। ओके तो मटेरियल स्ट्रेच्ड होता है, दिस इज़ रॉन्ग, यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, एजर्शन सही है, रीज़न रॉन्ग है। थर्ड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, हाइड्रोजन फिल्ड बलून स्टॉप्स राइजिंग आफ्टर इट हैज़ अटेंड अ सर्टेन हाइट इन द स्काई। ओके रीज़न में लिखा है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाले स्टेटमेंट की बात करें, हाइड्रोजन फिल्ड बलून स्टॉप्स राइजिंग आफ्टर इट हैज़ अटेंड अ सर्टेन हाइट इन द स्काई, तो ये सही है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अप थ्रस्ट का रोल है, यहाँ पर स्टॉप कर देता है ये राइजिंग को जब एक सर्टेन हाइट मतलब एटमॉस्फेयर में है, उसके बाद उसके बाहर निकल जाएगा तो राइज करना बंद कर देगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट एंड बिकम ज़ीरो, तो ये गलत है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बलून के अंदर के प्रेशर के जब बराबर हो जाता है तब बलून राइज करना बंद करेगा, ज़ीरो नहीं हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बल्कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बलून का प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा तभी तो राइज करना बंद करेगा, इसका मतलब अब थ्रस्ट और जिसका वेट है बोथ आर इक्वल, तो उस जगह पे सस्पेंडेड हो जाएगा, जैसे पानी के अंदर कोई चीज़ अगर इमर्स कराएं तो जब दोनों की डेंसिटी बराबर है तो बॉडी मूव नहीं करेगी, तो सेम सिचुएशन विल बी देयर, तो यहाँ पर आपका ये रॉन्ग है, तो अगेन द ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके रिजर्वेशन आपका सही है बट रीज़न रॉन्ग है। देन सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एजर्शन में लिखा है द मशीन पार्ट्स आर जैम्ड इन विंटर, ये भी ठीक है। द विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट्स यूज्ड इन द मशीन्स इंक्रीजेज एट लो टेम्परेचर, ये भी सही है। तो आपको पता है मशीन के पार्ट्स जाम हो जाते हैं विंटर सीजन में, ठीक से वर्क नहीं करते हैं, और इसका रीज़न क्योंकि विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी का मतलब क्या है, विस्कोसिटी का मतलब जो इंटरनल अपोजिंग जो फोर्स होता है मशीन के जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, तो इंटरनल अपोजिंग फोर्स इंक्रीज, इसका मतलब वो क्लोज आ रहे हैं और क्लोजली पैक्ड होते जा रहे हैं, तो उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो लो टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे दोनों एजर्शन और रीज़न सही हैं और रिलेटेड भी हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हेयर। ओके देन लुक एट क्वेश्चन नंबर फाइव, एजर्शन दे रखा है द शेप ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज सो डिज़ाइंड दैट इट्स फ्रंट रिजेंबल्स द स्ट्रीम लाइन पैटर्न ऑफ द फ्लूड थ्रू विच इट मूव्स। तो आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, जैसे आपके जितने भी व्हीकल्स हैं उनका जो फ्रंट होता है उसका शेप स्ट्रीमलाइन की तरह, स्ट्रीमलाइन शेप बनाया जाता है, तो स्ट्रीमलाइन शेप और आपने देखा है स्ट्रीमलाइंस जिस तरह की बनती हैं, स्ट्रीमलाइन पैटर्न ऑफ द फ्लूड थ्रू विच इट मूव्स, तो जिस फ्लूड से वो मूव कर रहा है, जैसे कुछ ऑटोमोबाइल्स जो जैसे आपका फ्लूड है एयर, एयर के थ्रू मूव करना है, और दूसरा है आपका वाटर, वाटर के थ्रू जिनको मूव करना है, तो ये रिजेंबल करता है स्ट्रीमलाइन पैटर्न से, स्ट्रीमलाइन शेप से रिजेंबल करता है। रीज़न है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूड इज़ मैक्सिमम। तो यहाँ पर एजर्शन और रीज़न दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि शेप स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है, आपने देखा होगा इस तरह का शेप होता है, इसीलिए होता है कि ये एयर के मॉलिक्यूल्स को जो एयर में चल रहे हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स को कट करके निकल सकें, और वाटर में जो चल रहे हैं वो भी इसी तरह के होते हैं शेप्स, या फिर सबमरीन्स उनका शेप भी इसी तरह का होता है, इसीलिए क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफर करता है जो फ्लूड जिसमें वो चलाए जाते हैं, तो उनको कट करने के लिए इस तरह का शेप बनाया जाता है, तो बोथ आर करेक्ट हेयर, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ओके तो आज का रिवीजन आप
का यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे। और बेटर होगा कि आप एक बार अपने सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें ताकि आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रिवीजन आप तभी कर पाएंगे इस इन क्वेश्चंस का जब इनकी इनके कॉन्सेप्ट्स आपको पता है। ओके सो इट इज़ फिनिश्ड हियर, थैंक यू।